हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप ग्रो होना चाहते हैं टिकटॉक के ऊपर, स्नैक वीडियो के ऊपर, या फिर आप होना चाहते हैं सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर आप खुद को वायरल करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे तरीके से वायरल होंगे तो आपको कुछ टाइम लग जाएगा। अगर आप दो नंबर तरीके से वायरल होना चाहते हैं तो फिर आपको चंद दिन लगेंगे। जी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप टिकटॉक पे वायरल होना चाहते हैं, आप खुद की एक फेम बनाना चाहते हैं, अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो कंटेंट है वो एक अच्छा सा चूज करें, जिसमें आप लोगों को कुछ सिखा सकें, कुछ समझा सकें, कुछ एक अच्छा दिखा सकें। जी मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, अगर आप व्लॉगिंग दिखाना चाहते हैं तो आपका जो व्लॉग है वो एक दमदार होना चाहिए। जो भी बंदा आपका व्लॉग के ऊपर क्लिक कर दे तो वो आपका व्लॉग पूरा देख के जाए, ना के बीच में छोड़ के चला जाए। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आपको कोई स्किल आती है जो आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, वहां से भी आपकी अच्छी खासी फेम भी बनती है और यहाँ से आप अर्निंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर टिकटॉक के ऊपर अगर आप वायरल होना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके अंदर स्किल क्या है, लोगों को आप क्या दे सकते हैं। सबसे पहले आपने खुद के साथ ही ये कंप्रोमाइज करना है, कमिटमेंट करनी है कि आपको क्या आता है जो आप लोगों को सिखा सकें। सपोज करें कि यहाँ पे आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो उसकी वीडियो एडिटिंग की वीडियो बना के 20 सेकंड की, 30 सेकंड की आप टिकटॉक के ऊपर लगा सकते हैं और वहां पे आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की वीडियो एडिट करने के लिए मुझे यूट्यूब के ऊपर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वहां पे वीडियो देखें। जो बंदा आपकी वीडियो यूट्यूब के ऊपर आके देखेगा तो यूट्यूब के ऊपर एक तो आपके व्यूज बढ़ेंगे, दूसरा यूट्यूब आपको प्रमोट करेगा, तीसरा आपका यहाँ से चैनल मोनिटाइज होगा जहाँ से आप अर्निंग कर सकेंगे। टिकटॉक के ऊपर आपको कुछ नहीं मिलता, जितने भी लाखों फॉलोवर हैं लोगों के उनको भी कुछ नहीं मिलता, तो आपको क्या मिलेगा। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो यहां से यूट्यूब आपको पैसे देता है और यहां पे आपकी इज्जत एक अलहदा से बनती है। सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि आपके अंदर स्किल क्या है, आप लोगों को क्या दे सकते हैं जो बेहतर हो। दूसरे नंबर पे ये आता है कि आपने ट्रेंडिंग देखना है, जो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, जो म्यूजिक ट्रेंडिंग में चल रहा हो, जो ट्रेंडिंग में कोई स्टोरी चल रही होती है, कोई भी मतलब सिचुएशन होती है वो चल रही होती है, उसको आपने मद्देनजर रखना है, उसके ऊपर भी आपने वीडियो बनानी है। तीसरा मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि तीसरा आपने ये देखना है कि ट्रेंडिंग हैशटैग कौन से यूज हो रहे हैं। जो ट्रेंडिंग हैशटैग होते हैं उनको अगर आप अपनी वीडियो में यूज करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो वायरल लिस्ट में चलेगी, फॉर यू पेज पे चलेगी। फॉर यू पेज के ऊपर भी आपने देख लेना है कि कौन कौन से कंटेंट हैं, कौन कौन से मतलब वीडियोज हैं जो वायरल हो रही हैं, तो उनको आपने 10-15 वीडियो आपने देख लेनी है, वहां से एक वीडियो आपको क्लिक कर जाएगी जो कि आप उससे भी बेटर बना सकते हैं, उससे भी बेहतर आप बना सकते हैं। जब आप इससे बेहतर वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो साफ जर है फॉर यू पे चलेगी और आपकी वीडियो भी वायरल होगी। जी दोस्तों, अगर आपका कोई और डाउट हो तो आपने कमेंट करना है, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई दूंगा। होप सो आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, अगर कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।